सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने 234 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। उन्होंने निगम परिसर में 303 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। दोपहर के समय उन्होंने स्टेट बैंक की शाखा के गोरखपुर में 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद वो धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। सीएम योगी ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार को गोरखपुर को 234 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 189 विकास कार्यों का शिलान्यास और 114 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष नगर निगम और एनटीपीसी के बीच कूड़े से चारकोल बनाने के प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू भी हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ाया, उसके जरिए से नगरीय जीवन को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हम सॉलिड या किसी भी प्रकार के कचरे को वेल्थ में बदलने के लिए कार्य कर सकेंगे। इसके लिए नगर निगम की पहल सराहनीय है। बड़े महानगर में आप चले जाइए, सबसे पहले आपके दर्शन होते थे एक बड़े से ढेर पर, एक बड़ी सी पहाड़ी पर, वो कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा करके लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का उसे माध्यम बनाया, उनमें से नगरीय जीवन को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हम सब सॉलिड वेस्ट या किसी भी प्रकार के वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए कार्य कर सकेंगे। इस दृष्टि से आज नगर निगम की ये पहल अत्यंत सराहनीय है। सीएम योगी सुबह 11 बजे नगर निगम परिसर पहुंचे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हो रहे कार्यों के मॉडल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के तहत स्वच्छता और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को सम्मानित भी किया। शारदीय नवरात्र के मौके पर गोरखनाथ धाम में माँ आदि शक्ति की पूजा शुरू हो चुकी है। शाम को करीब 5 बजे योगी आदित्यनाथ ने बतौर पीठाधीश्वर गोरख धाम में कलश स्थापित किया। इस कलश को मंदिर परिसर में स्थित अपने आवास में योगी आदित्यनाथ स्थापित कर माँ शैल पुत्री की पूजा की। इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी महोत्सव की शुरुआत भी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर में सीएम योगी ने कलश स्थापना की। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं और हर साल वो गोरखनाथ मंदिर में नवरात्र के मौके पर कलश स्थापना करते हैं।